एमटीवी इस दुनिया का बेस्ट चैनल, मेरा सच्चा प्यार। तुम्हें पता है एमटीवी और मेरा रिश्ता बहुत ही गजब का है। आई फकिंग लव एमटीवी यार। अब तुम सोच रहे होंगे भाई क्यों कॉमन राज एमटीवी से इतना प्यार करता है, why? ऐसा है क्या एमटीवी के अंदर? तो देखो यार, इसका सिंपल फंडा है। मैं एमटीवी के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, एमटीवी मेरे वीडियोस को स्ट्राइक देता है, उन्हें सिर्फ यूट्यूब से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से निकाल देता है। नहीं मतलब सोचो, वेर इज माई ओल्ड स्पिट्स वाला रोस्ट, वेर इज माई ओल्ड लव स्कूल वाला रोस्ट, नो वन नोज, गायब, किडनैप। मैं यहाँ पर खड़े होके, आज वीडियो में शुरू होने से पहले खड़े होके ये बात कह रहा हूँ तुमसे कि MTV स्टूडियो को निकाल देगा, बट मैं फिर भी बना रहा हूँ ये वीडियो। क्यों? बिकॉज़ आई लव एमटीवी यार। एमटीवी इज फकिंग जीनियस। वहाँ पर जो लोग बैठ के काम कर रहे हैं ना, वो लोग बहुत ही क्रिएटिव चीजें बनाते हैं यार, जो एक से बढ़कर एक जीनियस शोज लेके आते हैं। अब बताओ क्यों ना बंदा बात करे उनके बारे में, इसलिए मैं बात करूंगा इस वीडियो के अंदर, और वो लोग इस वीडियो को भी स्ट्राइक दे देंगे, आई नो, बट मैं बात करूंगा। प्लान गाइस, इस वीडियो को उठाओ, इस वाले वीडियो को उठाओ पूरा का पूरा, और अपने जहां पर भी तुम्हें YouTube का अकाउंट तुम्हारे पास है ना, कोई भी रैंडम अकाउंट YouTube का पेल दो। ये वीडियो इंटरनेट के ऊपर रहनी चाहिए, कॉपीराइट नहीं लगाऊंगा मैं MTV नहीं हूँ। MTV सुन रहे हो, बस तुम कर दो यार, प्यार करते हो ना मुझसे, इस वीडियो को उठाओ और YouTube में कहीं पर भी तुम्हें जगह मिले ना वहां पर डाल दो। और हाँ MTV, फक यू। शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, शिकवा धिक्कार है हम पर। यो गाइस, स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू कॉमन राज वीडियो में, और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट कॉमन राज। और आज हम बात करने वाले स्प्लिट्स विला के बारे में। तुम्हें पता पड़ चुका होगा स्प्लिट्स विला के बारे में बात करने वाले। तो स्प्लिट्स विला इस शो के बारे में लाइक लिटरली हर कोई जानता है, तुम्हारा दूध वाला, तुम्हारे साथ खेलने वाला, तुम्हारे साथ पढ़ने वाला, तुम्हें सब्जी बेचने वाला, हर कोई जानता है स्प्लिट्स विला के बारे में। क्यों जानता है? बिकॉज यार इस शो के अंदर सनी लियोनी है यार, और तुम्हें तो पता ही होगा सनी लियोनी इज बेबी डॉल सोने की। सही बात है, बट वो लोग जो इस शो के बारे में आज तक 2019 में भी नहीं जानते, बहुत सही जा रहे हो यार, कोई जरूरत नहीं इस शो के बारे में जानने की। नहीं मतलब मेरे पड़ोस में एक लड़का है जो कि शो को दिन भर देखता है, फुल वॉल्यूम के ऊपर देखता है। भाई सब कल ही खून की उल्टी की है उसने। मैं तो कहता हूँ इस वीडियो को एक बार छोड़ दो। No! छोड़ दो। No! अरे मजाक नहीं कर रहा, बहुत जहरीला शो है यार ये। No! बाद में मत कहना बताया नहीं मैंने, मैं चल्लू कर रहा हूँ, पक्का चल्लू कर रहा हूँ। ठीक है यार तुम्हारी मर्जी फिर, ठीक है इंट्रो लगाओ यार कोई मेरा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं आज के स्पॉन्सर के बारे में। आज का वीडियो स्पॉन्सर किया ज़ेरोडा ने, और ज़ेरोडा इंडिया का नंबर वन स्टॉक ब्रोकर है इंडिया के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करने के लिए। स्टॉक्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन, कमोडिटीज, करेंसीज, IPO और यहाँ तक कि म्यूचुअल फंड्स भी आप ज़ेरोडा के थ्रू कर सकते हो। जब बाकी सब ब्रोकिंग फर्म्स आपसे बहुत सारे ब्रोकरेज चार्जेस ले रही थी, ज़ेरोडा था जो कि इंडिया के शेयर मार्केट में ज़ेरोडा का नाम हर किसी के जुबान पे ला रहा था। ज़ेरोडा इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स का इन्वेस्टमेंट ब्रोकरेज फ्री करता है, और बाकी सेगमेंट जैसे कि इंट्राडे, करेंसी एंड कमोडिटीज में आपको मैक्स 20 रुपए प्रति ऑर्डर में देता है। 2010 में ज़ेरोडा बैंगलोर में स्टार्ट हुआ, और आज इसके ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया है। अगर आप अभी ट्रेडिंग और डीमार्ट का अकाउंट खुलवाएंगे तो ज़ेरोडा के थ्रू आप सिर्फ 300 रुपए में वो अकाउंट खुलवा सकते हो। अगर आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक है तो सिर्फ 5 मिनट में आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। अगर किसका इंतजार कर रहे हो, नीचे मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाके चेक कीजिए उसे और अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन लिख के अपना अकाउंट साइन अप कर लीजिए, ज़ेरोडा का आनंद लीजिए। तो व्हाट इज स्प्लिट्स विला? स्प्लिट्स विला एक ऐसा पारिवारिक शो है जहाँ पर ये लोग लड़के और लड़कियों को लेके आते हैं और उन्हें एक आइडल कपल में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। मतलब ये मान के चलो दो इंसानों में प्यार जगाते हैं ये लोग, मगर मजे की बात ये कि इस प्यार जगाने वाले शो में लोग ऐसे आते जिन्हें प्यार करना ही नहीं यार जिंदगी में, नहीं मानते। क्यों मानोगे यार, ये पार्टिसिपेंट है शो की, उनका एक बार इंट्रो देखो तुम लोग। हाय, मेरा नाम भव्या है, मैं दिल्ली से हूँ। आई एम अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ बैडएस एंड अ सेक्सी गर्ल। मैं प्यार व्यार करने यहाँ पे आई नहीं हूँ, और मुझे आसानी से होता भी नहीं क्योंकि मेरा लेवल बहुत ऊपर है। तो मैडम कहती है मैं प्यार व्यार करने आई नहीं हूँ यहाँ पर, और मुझसे प्यार होता भी नहीं है क्योंकि मेरा लेवल बहुत ऊपर है। कि मेरा लेवल बहुत ऊपर है, कितना ऊपर है मैडम आपका लेवल? बुर्ज खलीफा पे आपका लेवल। और अगर आप प्यार व्यार करने नहीं आए तो शो में आए क्यों यार? ये शो तो है ही प्यार के लिए। रणविजय सर बैठे ना आपको प्यार व्यार करवाने के लिए, आपके लिए आइडल जोड़ी ढूंढने के लिए, और आप तो प्यार करने पे तुले नहीं हो यार। आई नहीं हूँ और मुझे आसानी से होता भी नहीं क्योंकि मेरा लेवल बहुत ऊपर है। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। क्यों पापा? और ऐसा नहीं कि खाली दीदी नखरे करती है यहाँ पर, भैया भी एक से बढ़ के एक है यार, इतने भयंकर भैया जो कि अपने अलग ही स्वैग में रहते हैं, जैसे कि ये भाई साहब है। वैसे तो मैं दुबई से हूँ, 42 कंट्रीज में घूम चुका हूँ। ये भाई साहब दुबई से आए और ये बहुत ही अमीर समझते हैं अपने आप को, अंबानी के खानदान से बिलोंग करते हैं ये, नहीं मानते तो देखो। I don't like his perfume. I don't like your perfume. I guess started sneezing. I'm sorry. पहली बात तो इतना महंगा perfume है कि तब भी नहीं खरीद सकते। अब मैं देख रहा हूँ मैं ये बोला कौन था? I couldn't say anyone. I'm like that girl was literally the height of my waist. मैं कि बेटा पापा कहाँ हैं? Like that was my first reaction. I
भाई उसके बाप का तो नहीं पता, मगर तूने परफ्यूम लगाया है मतलब परफ्यूम बहुत सस्ता होगा। नहीं मतलब यार किस बात का एटीट्यूड यार तुम लोग को, अच्छी शक्ल लेके क्या पैदा होगा, एटीट्यूड आ गया तुम में। मतलब भाई शक्तिमान का पता है? नहीं मतलब शक्तिमान ने इतने सारे इंसानों की जान बचाई और साथ ही साथ कई सारे लोगों से अपने आप को सॉरी बुलवाया। सॉरी शक्तिमान। मगर फिर भी भाई साहब इतना सभी एटीट्यूड नहीं यार उस बंदे में, और ये भाई साहब देसी मारियो सेंट लगा के एटीट्यूड दिखा रहे हैं यार। तो इतना महंगा परफ्यूम मैं कितना भी नहीं खरीद सकता। इसके तो हाथ भी ठीक है दिमाग भी ठीक है, ये तो साला आदमी कमीना है। बताओ शो में आए हुए इनको एक दिन नहीं हुआ और इन प्यारे लोगों में लड़ाई शुरू हो गई। अब बताओ ऐसे लोगों में स्पिट्स विला वाले प्यार कैसे जगाएंगे। और तब जाके एंट्री होती है स्पिट्स विला के एलेक्सा की। जी हाँ इस शो के अंदर एक एलेक्सा भी है जिसका नाम है ओरेकल। ओरेकल क्या हम एक आइडियल मैच है? ओरेकल के कैलकुलेशंस के अनुसार आप दोनों एक आइडियल मैच नहीं हो। ये तो मुझे किसी दिन मिल गया ना तो दया बहन की कसम साक्षात बुलडोजर चला दूंगा इसके ऊपर। नहीं मतलब कैसे पता चला इस बड़ी मशीन को कि ये दोनों के दोनों आइडल जोड़ी नहीं है? नहीं तेरे को बता के कौन गया, सोन परी या हातिम? अरे मतलब ऐसा क्या चक्कर है इस बड़ी मशीन के पीछे? इस बड़ी मशीन के अलावा इनके पास एक और क्रिएटिव आइडिया जिससे कि लोग आइडल जोड़े ढूंढते हैं, और वो क्रिएटिव अमेजिंग इनोवेटिव आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज है इनके टास्क। इनके टास्क इतने भयंकर होते हैं जिन्हें देखने के बाद तुम्हारे अंदर भी हवस जाग जाएगा। नहीं मानते? क्यों मानोगे यार, क्यों 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 मानोगे? देखो जैसे कि इनोवेटिव डेट जहाँ पर सारी सारी लड़कियां बिकनी पहन के डेट पे आई है और लड़के आदि मानव बन के आए हैं, सब यहाँ पर प्यार की बकचोदी पेल रहे हैं, बिकनी में डांस कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं जिंदगी के, और फिर ये बकचोदी होती है। संभव वाज वेरी इरिटेटिंग, जिस हिसाब से आप मेरे साथ डांस कर रहे थे वो काफी टची था और मुझे वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं लगा। आपको तमीज नहीं है डांस करने की किसी लड़की के साथ, सो आई थिंक आई वुड नॉट इवन गिव यू अ जीरो। अच्छा मैडम कोई हरकत खराब लगी? अरे वाह मैडम बहुत ही गलत चीज हो गई यार ये तो आपके साथ। मगर मजे की बात तो ये कि मैडम आप एक ऐसे शो में आए हो जहाँ पर आपको फर्स्ट डेट के ऊपर बिकनी पहना दी यार, फर्स्ट डेट के ऊपर नचा दिया वो भी नेशनल टीवी के ऊपर, ये सब चीप नहीं लगा आपको? मगर क्या यार मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। स्प्लिट्स विला के अंदर तीन तरह के टास्क होते हैं। एक ऐसे ठरकी टास्क जिन्हें देख के हर लौंडा पिघल जाए, ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं लेकिन यार यहां में पिघल गया। दूसरे होते हैं शरीर सूखने के टास्क जिनके पीछे पता नहीं क्या लॉजिक है। पिक सबसे स्टिंकी बॉय कौन है? फिर लोगों को जाके सूखना था, फिर लोगों को जाके सूखना था। अरे बावड़ो कहाँ से सीख रहे तुमने? उससे आपकी तत्काल मौत हो सकती है, उससे बॉडी में रिएक्शन होकर के मृत्यु तक होती है, और हमने लाइव एग्जांपल देखे। अब किसी को एक्सपीरियंस करके देखना हो तो वसीयत आदि लिख देना पहले, बच जाओ तो भगवान का कोई विशेष अनुग्रह है, बाकी परलोक तो सीधे जाओगे। लगता है। और तीसरे टास्क होते हैं लड़ने मरने के टास्क। जी हाँ ये लड़ने मरने के टास्क भी लगते हैं जहाँ पर लोग बेफालतू में लड़ते हैं यार। जैसे इस टास्क का नाम है दांत तेरी की। इसमें ये लोग एक बॉल को 5-6 बंदों के बीच में फेंक देते हैं और फिर वो 5-6 बंदे कुत्तों की तरह उस बॉल के लिए लड़ते हैं, और जैसे टास्क का नाम है वैसे एक दूसरे के दांत तोड़ देते हैं। अब यार मैं तो बिल्कुल भी समझदार नहीं हूँ, मगर जो लोग समझदार है वो मुझे ये बात समझाओ कि इस नल्ले पंथी में प्यार का है बहनचोद? मतलब यार प्यार ढूंढने के नाम पे कुश्तियां करवा रहे हो लौंडो से? ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, हमें मरवा भी सकते हैं, ये मुझे भी मरवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और समझो प्यार जग भी जाए, नहीं मतलब इस बवासीर के बाद भी इनको प्यार जग जाए तो बहनचोद कैमरे के सामने कौन प्यार करता है यार? साला कपल ऐसे बात करते हैं जैसे माया पार्क में छुप छुप के मिल रहे हो और कोई झाड़ियों से इनकी वीडियो निकाल रहा हो। मतलब एमटीवी वाले ये दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं कि हम लोग छुप छुप के वीडियो निकाल रहे हैं, इनको बिल्कुल भी पता नहीं कि हम लोग यहाँ पर है। मगर इन कपलों की सस्ती एक्टिंग देखो, बिल्कुल नहीं फर्क पड़ रहा था कि कॉम्पिटिशन में क्या होगा, कौन जीतेगा, क्या होने वाला है। बच्चा क्या है मालूम है बेटा, मैं तेरे को एक बात बताता है, चुतिया समझा मेरे को? चुतिया समझा क्या? तो चुतिया समझता है, सोचना पड़ता है रे, कौन सी गाली देने का सोचना पड़ता है मेरे को। सुना आपने कि नहीं? अब भले स्प्लिट्स विला के अंदर आइडल जोड़िया हो या ना हो, मगर मुझे मालूम है कि इस दुनिया की सबसे भयंकर आइडल जोड़ी कौन सी है। अरे भाई रणविजय और एमटीवी की। मतलब यार ये मान के चलो कि रणविजय भाई के बिना यूपीएससी के एग्जाम क्लियर किए सरकारी नौकरी लगी हुई है एमटीवी के अंदर। मतलब ये भाई साहब हर एमटीवी का शो होस्ट करते हैं यार, रोडीज होस्ट करते हैं, स्प्लिट्स विला होस्ट करते हैं, एमटीवी के सारी सारी बकचोदी में इनका हाथ होता है। असली आइडल जोड़ी एमटीवी और रणविजय की है, नहीं मानते तो देखो। एमटीवी के दिल मेरा गोरिया चली, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली,
तो यार इन द कंक्लूजन स्प्लिट्सविला अजीब है यार। स्प्लिट्सविला कहता है कि ये यूथ पे बेस्ड शो है और ये यूथ के लिए चीजें कर रहा है, बट इट डजंट लुक लाइक ये यूथ के लिए कर रहा है यार। इनका मानना कि ये शो यूथ से कनेक्टेड है, जो चीजें ये लोग टास्क के तौर पे देते हैं वो यूथ करता है एक्चुअली लाइफ में। और हर बार हम लोग कुछ ना कुछ नया लाते हैं, कुछ अडैप्ट करते हैं जो नॉर्मल दुनिया में चल रहा है। बट नो यार, कोई भी यूथ बिकनी में डेट नहीं जाता, कोई भी यूथ फर्स्ट डेट पे डांस नहीं करता, कोई भी यूथ रैंडम चीजें नहीं करता जो कि ये शो में दिखाते हैं यार। मतलब तुम खुद ये सोचो कि शो के अंदर खाली मॉडल्स ही क्यों आते हैं, ऐसे मॉडल्स क्यों आते हैं या ऐसे मेल या फीमेल मॉडल्स क्यों आते हैं जो कि स्ट्रगलिंग कर रहे होते हैं। ये स्ट्रगलिंग मॉडल्स इस शो के अंदर आते हैं और टेम्पटिंग टास्क करते हैं जो कि यूथ को टेम्प्ट करता है, और यूथ सोचता है कि यार ये चीजें एक्चुअली मैटर करती है, बट ये चीजें मैटर नहीं करती है। एक सीन इस शो के अंदर जहां पर सारे सारे लड़के अपने टॉप्स उतार रहे होते हैं, शर्ट्स उतार रहे होते हैं, अपनी बॉडी को फ्लेक्स कर रहे होते हैं, अपने सिक्स पैक्स दिखा रहे होते हैं लड़कों को इंप्रेस करने के लिए, विच इज डोप एज़ फक मैन। यू गॉट योर एप्स, इंप्रेस करो लड़कियों को, शो योर एप्स, फ्लेक्स देम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट उसी सीन के बाद में एक लड़का आता है मोटा सा जो कि अपनी बॉडी को शो करता है लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए, एंड लड़कियां गोस लाइक दिस, ऑलराइट बेस्ट ऑफ लक टू द नेक्स्ट बॉय, आ जाओ। एक मोटा सा लड़का बड़े से पेट के साथ सामने चलता हुआ आ रहा है। तो शो में एक हाथी का साउंड इफेक्ट बज गया और लड़कियों ने जज कर लिया, विच इज डोप एज़ फक मैन, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। और अब मैं वो वाली बकचोदी भी नहीं पहलूंगा कि यार तुम्हारे अंदर ब्यूटी है, ब्यूटी बाहर से नहीं होती, अंदर से ब्यूटी होती है। नो, मैं वो वाली बात नहीं बोलने वाला हूँ, बट मैं ये चीज बोलने वाला हूँ कि रियलिटी में ऐसे कपल्स नहीं होते जो कि शो में दिखाए जाते हैं। इस शो का ऐसा मानना कि यार आइडल कपल वो होते हैं जो कि मतलब सिक्स पैक्स होते हैं बंदे के पास और लड़की के पास, मतलब लड़की हॉट से होनी चाहिए, आई कैंडी होनी चाहिए और बंदा मॉडल होना चाहिए, बिल्कुल ही बॉडी वाला बंदा होना चाहिए, तभी तुम्हारा आइडल कपल होगा, वरना तुम्हारा आइडल कपल नहीं होगा। दुनिया इन मॉडलों की लाइफ से नहीं चलती, रियल लाइफ बिल्कुल अलग होता है। रियल लाइफ में मोटे लोग भी पसंद आते हैं, पतले लोग भी पसंद आते हैं, या वो लोग भी पसंद आते हैं जिनकी बॉडी बहुत अच्छी होती है। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है और सबकी अपनी औकात होती है, जिसके अनुसार उन्हें उनका एक पार्टनर मिल जाता है जिनसे वो प्यार करते हैं या साथ रहते हैं उनके। सिर्फ उनकी बॉडी नहीं मैटर करती, बहुत सारी चीजें मैटर करती है, उनकी स्माइल मैटर करती है, उनकी बातें मैटर करती है, उनका एटीट्यूड मैटर करता है, उनकी बोलने का स्टाइल मैटर करता है, बहुत कुछ मैटर करता है। मगर मजे की बात तो है कि मैं और आप जो कि एक बहुत ही समझदार यूथ होंगे, शायद 20-21 साल के हम लोग हो गए होंगे, मैं खुद 21 साल का हूं, बट द मेन चीज की शो को बहुत सारे बच्चे देखते हैं, 13 से लेकर 15 साल के बच्चे शो को देख रहे होंगे, जिनके अंदर मेरे से इस चीजों के बारे में नॉलेज नहीं होगी। मैंने बहुत सारे 15 साल के बच्चों से बात कर रखी है और सीरियसली वो बचकानी बातें अभी तक करते हैं, और जब वो ऐसे शोज को देखते होंगे तो वो सोचते होंगे कि यार लव मतलब वही होता है, हमारे पास बॉडी होनी चाहिए, लव मतलब हमारे पास स्मार्ट गर्ल होनी चाहिए या ऐसी लड़की होनी चाहिए जो कि बहुत हॉट होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि यार सबको हॉट बंदियां या हॉट बंदों का डिमांड नहीं होता, मैं भी चाहता हूं कि मेरी लाइफ में तो हॉट बंदी आए, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमें लाइफ में जो हमें चाहिए होता है वो मिलता है हमें, और हमें बहुत सारी ऐसी चीजें देखनी पड़ती है जो कि एक्चुअली मैटर करती है अडल्ट कपल बनने के लिए, वो चीजें मैटर करती है, बट ये शो में वो चीजें नहीं दिखाई गई है। और वो बच्चे इन्हें देख के बहुत ज्यादा होते हैं, इनको लगता होगा कि यार ये प्यार मतलब ये कॉस्मेटिक जो लोग होते हैं उनको देख के प्यार होता है, ये जो ऐसे बड़े बॉडी वाले होते हैं बंदे उनको देख के प्यार होता होगा, बट नो यार रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। प्यार के नाम पे मेकअप लगाए हुए कॉस्मेटिक लोग को देखते हैं जो कि सिर्फ पैसों के लिए यहाँ पर आके स्प्लिट्स लगाकर बकचोदी पहलते हैं। हर एपिसोड के अंदर इनका आइडल कपल चेंज होते रहते हैं, लाइक आज ये बंदा इस बंदी के साथ बैठा है तो कल किसी और के साथ बैठा होगा, और बच्चे समझ नहीं पाते, उनको लगता है कि ये कॉस्मेटिक प्यार ही रियलिटी है, विच इज नॉट ट्रू मैन। गर्ल्स सारे सारे लड़के ऐसे माचो 10 किलो का मेकअप लगा के नहीं घूमते सर के ऊपर, हम लोग डेट के ऊपर भी खाली चेहरे के ऊपर साबुन और सर के ऊपर एक क्लिनिक प्लस लगा के आ जाते हैं तुमसे मिलने के लिए, तो हम ऐसे ही है, फैक्ट बता रहा हूं। बॉयज लड़कियां सारी सारी आई कैंडी नहीं होती भाई, लड़कियां अलग अलग शेप्स में आती है और अलग अलग शेप में आके भी प्यार देती है, विच इज वॉट मैटर्स। और कोई बंदी अगर होगी भी तो भाई वो फक बॉय ढूंढ रही होगी, फक बॉय से अपना चूता कटवाएगी फिर तुम्हारे पास आएगी, उससे पहले तुम्हारे पास नहीं आने वाली ब्रो, बिकॉज उनका भी एक स्टैंडर्ड होता है और तुम्हारा जैसे एक स्टैंडर्ड है वैसे उनका भी एक स्टैंडर्ड है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें हॉट बॉय या हॉट गर्ल नहीं ढूंढने का होता है, सबका एक औकात होता है, सबको एक बंदी मिलती है जो कि उन्हें मिलनी होती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये कॉस्मेटिक प्यार सच्चा है, ये कॉस्मेटिक प्यार बहुत फेक है, इन्हें देख के मत इन्फ्लुएंस हो, बिकॉज ये चुतिया है यार, ये चीजें रियलिटी नहीं होती है, रियलिटी में चीजें बहुत अलग होती है। एक हस्बैंड और वाइफ बहुत टाइम तक साथ रहते हैं और वो रियलिटी में लाइक बहुत टाइम तक साथ रहते हैं, उनकी चीजें बदलती रहती है एज टू एज, उनकी शक्लें बदलती है, उनकी बॉडी बदलती है, बट they love each other man, because that's what idol jodi is। idol jodi kya hai, tumhare mummy papa ki yaar, bahut time se wo log saath mein reh rahe hain aur saath mein rehte hain, kitne jhagde hote hain unke beech mein, but they stay together man, unki cheeze badalti rehti hai, budhape ke saath shakal badalti hai, body badalti hai, but wo saath mein rehte hain yaar। ye maan ke chalo ki yaar inka kaam hai tumhe influence karna। is show ke andar ek banda hai jiska naam hai loka, jo ki ek bahut hi badhiya rapper hai, main use follow karta hu instagram ke upar, bhi follow karta hu aur actually main bhi follow karta hu, wo bahut hi badhiya rapper hai aur wo bhi show ke andar hai। loka bhai if you watching this video you are dope as fuck man, I fucking love your work and this is no hate for you। so I was saying लोका को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, इज अ ग्रेट आर्टिस्ट, तो उसको बहुत सारे लोग उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, मैं इन्फ्लुएंस होता हूं उससे, और बहुत सारे बच्चे भी होंगे, बहुत सारे बड़े भी होंगे, एंड देयर मिक्स ऑडियंस फॉर हिम जो कि उसे फॉलो करती होगी। इफ अ गाय लाइक हिम एक टीवी शो के ऊपर आता है और लोग उसे देखते हैं तो उससे बहुत चीजें इन्फ्लुएंस होंगे, वो लोग उस चीज के कॉन्सेप्ट से या उस शो के कॉन्सेप्ट से भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होंगे। लोका ने खुद इस शो के लिए कह रखा कि ये शो स्क्रिप्टेड था, बट फिर भी एक शो है तो शो को शो की तरह लेते हैं, और फक दैट शिट, ये सिर्फ मेरी ओपिनियन है। तुम्हें क्या लगता है इस बारे में कमेंट करो नीचे, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, अगर तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नाच दिखाऊंगा। ये क्या कह दिया मैंने।
sexy, press the dislike button. But please subscribe to our channel and be part of the channel, because this channel is fucking awesome.